सो आज है 14 अगस्त सैटरडे। हम लोग जाने वाले अपने दोस्तों के साथ एक दिन के ट्रिप के लिए, बोलते ना थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी जरूरी है। हम लोग जाने वाले हैं बिजयपुर कैसल, जो रफली यहाँ से 2.5 घंटा दूर है, चित्तौड़गढ़ के पास में है। इस जर्नी की शुरुआत होने वाली है, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने दोस्त अभिनंदन के घर पे, वहां से ये शुरुआत होने वाली है। इस कंप्लीट फन ट्रिप में मैं आपको अपने साथ रखने वाला हूं, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए इसी के साथ आज की इस ट्रिप को शुरू करते हैं। तो चलो अब हम आ चुके हैं अभिनंदन भैया के घर। सीधे आपको सबसे पहले मिलाता हूँ मैं अभिनंदन भैया से, और फिर यहाँ से हम लोग बहुत फन मस्ती मजाक शुरू करने वाले हैं। हाय अभिनंदन भैया। हाय गाइस। हेलो। हाय अनंत। कैसे हो अभिनंदन भैया? आई एम गुड, हाउ आर यू? चले अंदर, अभी तो बैठे सब लोग। आ रहे प्लीज आर यूट्यूब रॉक स्टार अनंत। चलो आ जाओ। अब वो नकुल ने बोला तो क्या करें फिर? नहीं अनंत आ गया, नकुल आ रहा है, बस आ जा। ओके ओके, ठीक है, ओके, नो वरीज। सो बेसिकली हमारे सब लोग आ चुके हैं, बट हमारे एक स्पेशल दोस्त है रोहित, उसका इंतज़ार करते करते तो इंतहा निकल जाती है। तो हमने पहले ही उसको बोल दिया कि भाई तू जल्दी आ जा, पर अभी भी पता है वो अगले आधे घंटे से पहले तो नहीं आएगा प्रोबेबली, आराम। सो अभिनंदन की भैया के घर पे ना इतनी आपको एंटीक चीजें मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब जो म्यूजियम में नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा। भैया कुछ 2-3 चीजें तो दिखाओ कुछ स्पेशल। अरे थैंक यू सो मच, इट इज अ प्राउड फैमिली हेरिटेज हैंडलूम्स। ये क्या है? आई विल शो यू सर्टेन थिंग्स। सो दिस इज बेसिकली बग्गी के आगे जो लाइट लगती थी, दिस इज समवेयर अराउंड 1830s के आसपास का पीस है। ER लेटर। अच्छा। लेटर मेड इन इंग्लैंड। ये वो घोड़ा बग्गी के ऊपर लाइट्स लगती थी। सो आवर फैमिली। और फिर वो पास बाजू वाली क्या है? आई शो दिस। दिस इज बेसिकली ट्रेन की लाइट होती है, ट्रेन के आगे जो लाइट लगती थी, जो अपनी स्टीम ट्रेन्स होती हैं, वो 1800 में चला करती थी। दिस इज अगेन, इफ यू कैन सी लुकास किंग रोड। हां जो सार, दिस इज फ्रॉम बेल्जियम दिस ट्रेन लाइट। ये पुराने टाइम के सरोते और उसके अंदर की सुपारी रखने की चीजें होती हैं। अच्छा। लाइक पहले ये दीज आर ऑल फंक्शनल बेसिकली। चलो दीज आर सम एंटीक बॉक्सेस। कौन से साल के होंगे ये बॉक्सेस? अप्रोक्सीमेटली 200-180 इयर्स ओल्ड। अरे बाप रे। अच्छा। यस। सो इसका शौक किसको है? किसी को तो शौक होगा जिसकी वजह से आप ये रखते हैं। फादर इज वेरी मच इनटू हेरिटेज कलेक्शन। अच्छा, तो वो करते हैं। हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी हमें बहुत सारी हेरिटेज चीजें। अच्छा, इधर आप देखें, जैसे दिस आप यहां पे घर में जहां भी हाथ लाओगे ना कुछ ना कुछ ऐसे मिलेगा। सिल्वर कार पांदान। ये भी वही 150 इयर्स ओल्ड कम से कम, ऑथेंटिक हेरिटेज। ये दिस इज ऑल रिमूवेबल, इसके अंदर अपन लोग सुपारी चीजें। क्रिस्टीज एंड हाय भाभी। यार हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप लोग भी अलग से जा रहे हो, इट्स ऑब्वियस बनता है। ऐसे कैसे नहीं भाई, होगा, बस होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्रिप पे जाएंगे, देन आई डोंट नो आप लोग क्या करने वाले हैं। नहीं, तब तो कुछ नहीं होगा, हम लोग आराम से यहाँ पे पार्टी करेंगे। हां, इंटेलिजेंट यार। हां, ये क्या है भैया? दिस इज बेसिकली पगड़ीज फ्रॉम क्रिस्टीज। क्रिस्टीज आपने सुना होगा, क्रिस्टीज एंड सॉथवेज इंग्लैंड के जो बड़े ऑक्शन ब्रांड्स रहे हैं अभी। अच्छा। सो उस जमाने में लोग पगड़ी भी करते थे, ये पगड़ी होल्डर्स होते थे उस टाइम के। अरे भाई, दीज वर द रियल पगड़ीज। जैसे आजकल अपने हैट होल्डर्स वगैरह होते हैं, दैट वे। सुपर। सो भाभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? वी आर गोइंग टू बूंदी। देखो अभी हम लोग स्टार्ट बूंदी से कर रहे हैं, ग्रेजुअली पता नहीं कहाँ जाएंगे, अभी बूंदी जा रहे हैं। चलिए सुपर। सो समथिंग व्हाटएवर वहां पे क्या उधर रोहित वी वर टॉकिंग कराएंगे तो नहीं, तो यहाँ बता, यहाँ नाश्ता नहीं है। तू कंजो, वहाँ पहुँच, सीधे हैंगिंग ब्रिज पहुँच। तू ऐसा कर, कैसल बीजापुर, कैसल बीजापुर, ठीक है ना? ओके। सो अभी भी उसी की बात चल रही है जिसका हम पहले वेट कर रहे थे। सब लोग आ गए हैं, बट अभी भी वो हमारा एक दोस्त नहीं आया है। वो सबसे बड़ा वाला दोस्त है हमारा, और दुनिया इधर से उधर हो जाए पर रोहित आप सोनी कभी सुधर नहीं सकता भाई। तो फाइनली नकुल भी और हम लोग ने क्या किया, हम लोग निकल चुके थे रोहित आप का वेट करने के लिए कि भाई तू वहीं आ जा, रास्ते में मिलते रहो। फाइनली रोहित आप आ चुका है हमेशा की तरह, बिल्कुल टाइम पे। नकुल बाबा का उसको कहने का मतलब उच्च ज्ञान मिल रहा है। बताओ भाई, क्या ज्ञान की बात नहीं है। मैं सोनी जी से बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी गलत चीज को होते हुए देख रहे हो, उसको देख के आप चुप हो, दैट मींस यू आर सपोर्टिंग दैट रॉन्ग थिंग। बिल्कुल। गाइस समटाइम्स इन लाइफ वेदर यू वांट और यू डोंट वांट बट यू हैव टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग्स, दैट इज माय होल। ये जो हमारे सामने देखने में प्रिंसिपल सर है हमारे कोटा के सबसे सत्य ही सच है, क्या बात है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है उच्च ज्ञान जो जेन्युइनली सही है। And I do agree most of the time Anand Laddha, you know, stays in the right side and he always take a right stand. Anand for you bro. अरे thank you भैया, thank you। अच्छा यार सो हम लोग हाफ वे थ्रू आ चुके हैं। अभी हम रुके हैं सोमानी पे, एक बीच में रेस्टोरेंट आता है बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा बहुत स्नैक्स करेंगे फिर आगे चलेंगे। टोटल हमारी ये ट्रिप में होने वाले ऑलमोस्ट अराउंड 16 to 17 दोस्त लोग हैं हम लोग जो जा रहे हैं। अभी हम लोग इस कार में 5 लोग और चलते हैं सोमानी में, थोड़ा टाइम पास करते हैं फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। ये हमें मिल चुका है मोंजलिका का। गाइस नाउ वी हैव रीच्ड कैसल बीजापुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं नाम से ही ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डर सी भावना आ रही है और जैसा कि हम एंटर हुए, एंटर होते से ही आहट के वो पुराने दिन याद आ गए हमको और वो ना ना। ये अभिनंदन भैया हमारे रीसेंट चेयरमैन आईपीसी हो चुके हैं तो अभी भी फोन पे ही लगे रहते हैं बेचारे, बड़े डिफिकल्ट हैबिट हो गई तो हर साल भर की। अच्छा हैबिट हो गई तो मैसेज ही टाइप करने रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ मैसेज टाइप करते रहते हैं। हमको लग रहा है कि शाम के लिए किसी मंजुलिका से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं साहब हमारे। वारुण 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 वारुण। सो आज है सेकेंड डे संडे। आज हम फाइनली निकलने वाले हैं अपनी इस लोकेशन से। कल रात के मैंने कुछ क्लिप्स तो लिए पर आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों के लिए इररिलेवेंट होने वाला है। वो होता है ना दोस्तों के साथ आप कुछ मस्ती मजाक करते हो, बातें करते हो, आपको तो सब समझ आता है पर अगर सामने वाला थर्ड पार्टी देखेगा तो शायद उसको उतना मज़ा नहीं आएगा। आई विल सी, अगर कुछ अच्छी क्लिप्स हुई तो मैं डालूंगा वरना फिर आज हमारा फाइनल डे होने वाला है। आई विल ट्राई कि मैं आज आपको सभी से मिला दूँ जो भी हमारे दोस्त लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आई थिंक लंच के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर देखते हैं। कल तो मंडे है, वापस से मार्केट वाला दिन शुरू हो जाएगा। तो चलिए संडे की मॉर्निंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या है हम सभी के लिए। म्यूजिक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम आ चुके हैं अपनी यात्रा के एक अंत पड़ाव पे। इसमें भी लोगों को चैन नहीं है और चैन होना भी क्यों चाहिए। सेठी जी हमारे तनाव में, आज इनका तनाव दूर करना पड़ेगा, इनको एक अच्छा सा स्पा में दिलाना पड़ेगा। और ये हमारे साथ बैठे हैं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त माचो सेक्रेटरी हमारे, फैशन आइकन हमारे। और ये लड़का हर बार, मतलब ये मैं तो कहता हूँ कि ये पोटी भी जाता होगा तो नए कपड़े पहन के वापस आता है हर एक मोमेंट पे इसको कपड़े चेंज करने रहते हैं भाई को, क्योंकि है इसके पास इतने सारे कपड़े पर ये हमारा प्यार, हमारा दुलार इस आदमी के साथ, ये हमें भी एक दो शर्ट ऐसी दिला दे, यही आशा, इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपका कपड़े शानदार मिलेंगे, कपड़े शानदार मिलने चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा। सो फाइनली अब आज है मंडे मॉर्निंग। कल आने के बाद मैं इतना थक गया था कि सीधे आके सो गया था। आई होप आपको आज के इस व्लॉग में मजा आया होगा। अगर मजा आए तो व्लॉग को लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आई विल सी यू वेरी सून।